Good morning, everybody. So in the last video, we completed up to this. जहाँ पे authors बात कर रही थी that they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो ये उनका एक spiral है बात करते करते वो poverty से apathy से greed और greed से injustice, ये उनको पूरा सब कुछ झेलना पड़ता है. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, ऑथरेस कह रही हैं. उनको सुनने के बाद में वो क्या देखती हैं कि दो अलग अलग दुनियाएं हैं, वर्ल्ड्स हैं. क्या क्या? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, बर्डन्ड by the stigma of caste in which they are born. उस कलंक के साथ में, कौन सा कलंक है? वो कास्ट का कलंक है, जिस कास्ट में वो जन्म लिया है उन्होंने, वो एक बर्डन और अलग से. सेकेंड, दूसरी दुनिया कौन सी है? द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. सारे के सारे साहूकार जो पैसे वैसे देते हैं, मिडिल मैन जो बिचौली जो पैसे दिलवाने का काम करते हैं, फिर पुलिसमैन, लॉ के रक्षक कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ये सारे के सारे. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. बैगेज होता है एक तरह से बर्डन, भारी भरकम. इन सब ने मिल करके बच्चे के ऊपर इतना बैगेज रख दिया है जिससे वो नीचे नहीं रख सकता, माने इससे छुटकारा नहीं पा सकता. क्यों? क्योंकि उसके फादर ने ले रखा है जो पैसा, तो उसको फिर वो उसके बेटे पे आ जाती है जिम्मेदारी उसको पूरा करने की. तो इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. इससे पहले कि वो कुछ जानता है दुनियादारी के बारे में, कुछ पता चलती है, उसको वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है सारी चीज़ें, इसी तरीके से जैसे कि उसके फादर ने कभी की थी जब उसके फादर हुए थे. उसके फादर जो हैं, मतलब उसके फादर के फादर माने उसके ग्रैंडफादर जब थे, तो उनके पास में जो भी पैसा लिया था उसको पूरा करने का जिम्मेदारी थी. तो जब ये फादर हुए उसके, तो उनके पास आ गई. ऐसे टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना. ऑथरेस कह रही हैं टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. डेयर मीन्स होता है हिम्मत दिखाना, करेजियस, कुछ काम करना. तो कुछ और करना तो समझ लो कि हिम्मत दिखाने के बराबर है. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. उस बच्चे की ग्रोइंग अप जब होती है, बड़ा होता है, तो उस समय उसका वो पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सब उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि इतने सारा ये सारे के सारे लोग उस पर इस तरह से मिले हुए हैं. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. ऑथरेस कहती हैं जब मैं इस डेयरिंग का, इस डेयर का, इस हिम्मत का एक फ्लैश देखती हूँ, चमक देखती हूँ मुकेश में, तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. वो फिर यही बात कहता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूँगा. ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न. गैराज जाएगा और वहाँ पर सीखेगा सब काम. बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. लेकिन गैराज तो बहुत दूर है उसके घर से. आई विल वॉक, बोला कि मैं पैदल चल के ही जाऊँगा. ही इंसिस्ट. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही सडनली साइलेंट. जब पूछा कि आपको प्लेन चला उड़ाने का भी कोई शौक है, कोई सपना है, तो शांत हो जाता है. नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नीचे देखता हुआ, जमीन की तरफ देखता हुआ. In his small murmur, there is an embarrassment that has not turned into regret. वो जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, मर्मरिंग कर रहा है हल्का फुल्का नीचे अपने आप से,
देयर इज एन एम्बरेसमेंट दैट हैज नॉट टर्न्ड इनटू रिग्रेट. एम्बरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, माने अभी जो उसका मैकेनिक बनने का जो सपना है वो क्या है, रिग्रेट में नहीं हुआ है. कहने का मतलब अभी तो उसके अंदर हिम्मत है, वो ग्रोइंग एज में चल रहा है, लेकिन जब पॉलिटिशियंस और वो सब लोग उसको प्रेशराइज करेंगे तो हो सकता है कि वो अपने सपने को छोड़ दे, टूट जाए वो खुद अपने आप, और उसके बाद में फिर वो पछताए और फिर दुखी हो. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन टाउन, ऑफ हिज टाउन. वो खुश है किस चीज़ में, ड्रीम ऑफ कार्स, अपने जो कारों को लेकर के जो उसने सपना बना रखा है, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन. हटलिंग डाउन माने मूविंग डाउन, चलती हुई देखता है, दौड़ती हुई देखता है स्ट्रीट्स पर शहर की. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बोला के गाड़ियों तो उसने बहुत कारें देखी हैं, फ्यू बहुत कम, शायद ही कोई एरोप्लेन जो है वो वहाँ से उसने उड़ता हुआ देखा हो, इसलिए एरोप्लेन को लेकर के उसके पास कोई सपना नहीं है. लेकिन जिन कार की वो बात कर रहा है उन कारों को तो वो हटलिंग डाउन, मूविंग, मूव करते हुए शहर की गलियों रोडों पर देखता है. सो दिस वॉज द चैप्टर ऑल अबाउट माइग्रेंट्स की बात की गई शुरुआत में. साहिब आलम जो बांग्लादेशी माइग्रेंट है, रैक पिकर का काम करता है, और दूसरी बात की फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की. ये दो सिचुएशंस उन्होंने, पैथेटिक प्लाइट ऑफ दीज पीपल, उसको बताया उन्होंने एनकाउंटर्स में कि मेरा जो सामना हुआ, मेरा जो उन्होंने जो लोगों से मिल मिल करके जो चीज़ें निकाली हैं, तो वो ये सब चीज़ें हैं. इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, वो इसीलिए है कि स्प्रिंग जो है बेस्ट फेज़ होता है, सीजन्स में बेस्ट सीज़न होता है. इसी तरीके से इंसान के फेजेस में सबसे बेस्ट चीज़ होती है, बेस्ट फेज़ होता है लाइफ का चाइल्डहुड, और वो चाइल्डहुड ही ये बच्चे जो हैं उस चाइल्डहुड से ही महरूम रहते हैं बिकॉज ऑफ पावर्टी या फिर कोई और भी रीजन्स हो सकते हैं. तो जैसे कि आपने देखा इसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशन भी जो है वो भी एक प्ले करती है कि किस तरह से लोग जो हैं ये चूड़ी जो बनाते हैं बैंगल मेकर्स हैं अपने, ये इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि दिस इज़ गॉड गिवन लीनियज, और ये गॉड गिवन लीनियज है तो इसको तोड़ नहीं सकते, इससे बाहर नहीं जा सकते आप. और उसी में वो है क्या, गरीब हैं, ढंग से प्रॉपर तरीके से दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसी में लगे हुए हैं. तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन भी ऐसा है कि जिस ट्रेडिशन की वजह से भी दे आर बीइंग, दे आर ग्राइंडिंग देमसेल्व्स इन पावर्टी. तो थैंक यू वेरी मच, दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ. क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा आप देख लेना, आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उनको थोड़ा सा आप फोकस जरूर कर लें. From Monday, we will start the new chapter, that is Deep Water of the same book. Thank you.